हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास जो 10th का मैथ करने जा रहे हैं, उसमें चैप्टर रियल नंबर में आज हम एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन मेथड एल्गोरिथम का हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एससीएफ उसका करने जा रहे हैं, थर्ड सम जो है हम करने जा रहे हैं। अब 867 एंड 225 ये थर्ड सम है, ठीक है। पेज नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो कि पेपर में आता है। तो हम इसका एससीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, 1867 बड़ा है, ये हम ऐसे रखेंगे। और टू जो बाहर है 225 ये हम बाहर रख लेंगे। अब हम इसको देखेंगे कि 867 कैसे आएगा। अगर हम 255 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 यहां पर, 6 यहां पर, 7 तो इतना आ जाएगा। अगर हम 4 पे करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, इतने भी 3 पे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 765 ये आ जाएगा, 3 से हमने किया था। अब इसमें देखते हैं दोनों में, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहां पर 0 आ जाएगा, और यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, अब 220 ये 255, अब 255 रखेंगे। जैसे कि इन दोनों में से, अब सिंपल सी बात बताता हूँ, ये दोनों लड़ पड़े, सबसे बड़ा कौन सा था, ये वाला था, ये बीच में आ गया, इस पे अब डांट पड़ रही है, ये बाहर है। अब दोनों में, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये बच्चा तो यही है ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला अब आ जाएगा फिर, ठीक है। अब इसको करेंगे 102 को, 102 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 आ जाएगा। अब इसको क्या आ जाएगा, 1 पे किया हमने, ठीक है, तो 2 पे, सॉरी 2 पे हमने किया था, ठीक है। तो अब इसका जो माइनस है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। अब इसके हमने ये वाला आया था, इसके बाद 10, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 102 और 51 में, तो 101 ये ऑलवेज बड़ा होगा, 102 को अब 51 है, 51 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, तो 102 आ जाएगा। तो यहां से हमारा रिमाइंडर क्या बन गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी आपका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, आपने स्टॉप कर देनी है डिवीजन, ठीक है, और आपका जो डिवाइजर है वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर क्या बना, डिवाइजर ही आपका एससीएफ बन जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या बन गया, 51। तो इस केस में एससीएफ आपका 51 आ जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है जिससे आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड का पता चल गया होगा, 167 एंड 255 का जो एससीएफ है वो आपका है 51। बस यही आपने निकालना था। मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं ये आपको बारे में बता दिया, और इन तीनों के सम्स भी मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वे से वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।